छात्रों, कक्षा 11वीं के 12वीं के व्यवसाय के अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई 6 अध्याय 10.1 में प्रशिक्षण एवं विकास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक उपक्रम में चयन होने के उपरांत एक कर्मचारी का जब हम चयन करते हैं किसी कार्य विशेष के लिए, तो उस कर्मचारी को उस उपक्रम के अनुरूप बनाने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि कार्य को किस प्रकार से करना है। वहीं साथ ही उसका हम मानसिक विकास भी करते हैं डेवलपमेंट विकास के माध्यम से, कि वो उपक्रम के बारे में, उपक्रम की नीतियों के बारे में जाने और उपक्रम के संबंध जो भी कार्य हैं उनको वो बेहतर ढंग से कर सके। तो पूर्व में उपक्रम को भूल चूक के आधार पर एक कर्मचारी जो होता था, जब उसको कार्य सौंपा जाता था, तो वह भूल चूक के आधार पर जो है धीरे धीरे अपने कार्य में निपुणता या प्रखरता लेकर आता था। लेकिन वर्तमान समय में एक कर्मचारी को कार्य सौंपने के पहले ही उसे प्रशिक्षित किया जाता है, पहले ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही उसका विकास किया जाता है ताकि वो कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। तो इस अध्याय में जो है हम प्रशिक्षण एवं विकास के बारे में यहाँ पर बेहतर रूप से जानेंगे। यह प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास। तो प्रशिक्षण तथा विकास जो है कर्मचारी के वर्तमान तथा भविष्य के निष्पादन स्तर को सुधारने का एक प्रयास है। इसमें प्रायः कर्मचारी को सिखाने के साथ साथ उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होता है, कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, साथ ही उसके कौशल में, उसकी ज्ञान में, उसकी निपुणता में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो उस कार्य को करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रशिक्षण शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। जैसे सबसे पहले कार्य को सीखने के लिए एक उपक्रम में जो है कार्य विशेष का जब उस कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो उस कार्य को करने में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो कार्य को सीखने के लिए, फिर दूसरा कार्य की जटिलता को कम करने के लिए, कार्य यदि कठिन है क्योंकि वो कार्य की प्रकृति के बारे में नहीं जानता है कर्मचारी कि किस प्रकार से उस कार्य को करना है, तो उस कार्य के करने के दौरान जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको प्रशिक्षण के माध्यम से वो दूर कर सकता है और कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। फिर बात करते हैं परिवर्तित तकनीक को समझने के लिए। तो वर्तमान में जो उत्पादन है नई नई तकनीकों से हो रहा है, टेक्निक लगातार बदल रही हैं, तो इस स्थिति में जो भी तकनीकें परिवर्तित हो रही हैं उनको समझने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिर कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, तो कर्मचारियों के मनोबल से तात्पर्य यहाँ पर है जब एक कर्मचारी कार्य को बेहतर ढंग से करता है तो उसके मन की जो भावना है, जो उसका मनोबल है वो बढ़ता है और कार्य में वो और कुशल होता है, उसी से कुशलता को बढ़ाने के लिए, तो उसकी कार्य के प्रति कुशलता भी बढ़ती है, वहीं कर्मचारी का मानसिक विकास भी होता है। तो यहाँ पर ये जो आवश्यकता है प्रशिक्षण शिक्षण और विकास से संबंधित, यहाँ हम देखते हैं प्रशिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी। नंबर एक, ये प्रक्रिया के रूप में है। तो ये जो प्रशिक्षण है एक सुव्यवस्थित जो कर्मचारी को कार्य योग्य बनाती है, तो ये प्रक्रिया जो है ये सुनियोजित एवं निरंतर और चलने वाली प्रक्रिया है जो कर्मचारी को कार्य योग्य बनाती है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं योग्यता एवं लाभ। प्रशिक्षण के माध्यम से जो है
यहाँ पर एक कर्मचारी के मन में जो है, कर्मचारी के अंदर उसकी योग्यता का, उसकी क्षमता का क्या होता है, विस्तार होता है। तो कर्मचारी की योग्यता में वृद्धि होती है, कर्मचारी की योग्यता में वृद्धि व क्षमता का विस्तार होता है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से जो है कार्य विशेष को पूरा करने के लिए कर्मचारी की योग्यता में वृद्धि होती है और उसकी क्षमता का विस्तार होता है। फिर हम देखते हैं अलग अलग प्रशिक्षण। जो प्रशिक्षण है वो कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार का अनुसार अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण होता है। यहां हम देखते हैं कि अलग अलग प्रशिक्षण की हम बात करते हैं कि ये कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कार्य किस किस प्रकार के हैं। उस कार्य की प्रकृति के अनुसार जो है अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण होता है। फिर यहां पर हम देखें हित की बात करें तो यहां सेवा योजक अर्थात जो नियोक्ता है, सेवा योजक व कर्मचारी दोनों का क्या होता है, यहां पर हित होता है। हित होता है यहां पर जो नियोक्ता है, जो फर्म का मालिक है, सेवा योजक है, उसका भी फायदा होता है। यदि बेहतर कर्मचारी उसके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं तो उसको बेहतर उत्पादन मिलता है, वहीं कर्मचारियों को भी बेहतर उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो यहाँ हित की बात करें हम तो कर्मचारी और सेवा योजक दोनों को हित होता है। फिर बात करें हम विनियोग अर्थात जो विनियोग से यहाँ तात्पर्य है कि प्रशिक्षण में जो खर्च किया गया, एक कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए जो उसके ऊपर राशि व्यय की गई तो वो एक प्रकार की क्या है, विनियोग है, व्यय नहीं है। तो विनियोग ये क्या है, व्यय नहीं है, व्यय नहीं बल्कि ये क्या है, विनियोग है, विनियोग है। अर्थात यहां पर जो है एक कर्मचारी के प्रशिक्षण पर जो प्रशिक्षण राशि खर्च की गई वो उपक्रम के लिए, संस्था के लिए खर्च नहीं है, बल्कि वो क्या है, भविष्य में लाभ में वृद्धि के करने के लिए एक प्रकार का क्या है, विनियोग है। इसके बाद हम बात करते हैं विकास का साधन की। तो प्रशिक्षण के माध्यम से जो है व्यक्ति के कौशल एवं व ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यहाँ प्रशिक्षण के अंतर्गत जो है ये विकास का प्रमुख साधन है, कर्मचारी के कौशल व ज्ञान में इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये हमने देखा यहाँ प्रशिक्षण की विशेष। यहाँ हम देखेंगे शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। तो यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले ज्ञान का प्रकार। शिक्षण में जो है सामान्य ज्ञान व बौद्धिक स्तर को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो शिक्षण क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है एक व्यक्ति के अंदर कि उसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए, उसके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वहीं प्रशिक्षण की बात करें हम तो प्रशिक्षण जो है वो योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि पर, योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि पर बल दिया जाता है। पर्टिकुलर कोई काम है, जो कार्य है, उस कार्य को समय पूरा कराने के लिए, उस कार्य में निपुणता प्रदान करने के लिए उसकी योग्यता व क्षमता में वृद्धि प्रशिक्षण के माध्यम से की जाती है।
बात करते हैं हम फिर क्षेत्र की, तो शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, और शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है। जबकि शिक्षण प्रशिक्षण जो है इसका क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है, अर्थात एक कुछ पर्टिकुलर कार्य के लिए हम उसको प्रशिक्षित करते हैं तो उसका एक दायरा क्या हो गया, सीमित हो गया, छोटा हो गया, और प्रशिक्षण की अवधि जो होती है वो कम समय की होती है। फिर संबंध की बात करें तो शिक्षण जो है वो समग्र ज्ञान से संबंधित होता है, और जबकि प्रशिक्षण जो है पर्टिकुलर किसी कार्य विशेष से संबंधित है। अवधि की बात करें तो समय काल, शिक्षण जो भी मैंने बताया कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है, लंबे समय तक के लिए होती है, लंबे समय तक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है, जबकि प्रशिक्षण जो है वो अल्पकालीन होता है, कुछ छोटे समय के लिए, 15 दिन का या 20 दिन का या महीने भर का या 2 दिन 4 दिन का, तो इसकी अवधि कैसी होती है, अल्पकालिक होती है। फिर बात करें हम लागत की, खर्च की, तो शिक्षण पर जो भी खर्च किया जाता है वो व्यक्ति स्वयं के द्वारा करता है या फिर सरकार के द्वारा, सरकारी संस्थानों के माध्यम से उसके शिक्षण का खर्च जो है वो वहन किया जाता है। प्रशिक्षण में जो है सेवा योजक या नियोक्ता के द्वारा जो है प्रशिक्षण का जो खर्च है वो वहन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि शिक्षण और प्रशिक्षण में जो अंतर है, मुख्य रूप से ज्ञान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संबंध के आधार पर, अवधि के आधार पर और लागत के आधार पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक उपक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, अर्थात एक उपक्रम में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला बिंदु तो इसमें यह है, प्रशिक्षित कर्मचारियों का ना मिलना। तो आवश्यक नहीं है कि एक उपक्रम में, एक संस्था में जो भी कर्मचारी हैं सभी निपुण हों, तो प्रारंभ में जो है अकुशल कर्मचारियों को भी भर्ती किया जाता है, तो धीरे धीरे जब वो अकुशल कर्मचारी उस उपक्रम में रच बस जाते हैं तो उनको प्रशिक्षित करके जो है उनसे बेहतर कार्य कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों के न मिलने के कारण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक। फिर दूसरी बात करते हैं हम उपक्रम विशेष की आवश्यकता के लिए। अब उपक्रम में किस प्रकार के कर्मचारियों की हमें जरूरत है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, तो उस हिसाब से हम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं। तो यहाँ कोई विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए फिर इसके बाद है आंतरिक वातावरण को समझने के लिए। अब एक उपक्रम के अंदर जो है उपक्रम की कार्यशैली किस प्रकार की है, उपक्रम की नीतियां किस प्रकार की हैं, ये सब चीज़ें जो हैं समझने के लिए, कार्यशैली, वातावरण, नीतियां आदि, इनको समझने के लिए जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तकनीकी परिवर्तनों का ज्ञान। तो निरंतर जो है वर्तमान तकनीकी परिस्थितियां जो है वो लगातार परिवर्तित हो रही, जैसा भी मैंने बताया उत्पादन जो है नए नए तरीकों से हो रहा है, तो बदलती हुई तकनीक के कारण जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।
फिर इसके बाद पेशेवर विकास, एक कर्मचारी में जो है उसके अंदर की जो कार्य करने की भावना, उसका पेशा जो है पेशे के रूप में उसका विकास करने के लिए। तो जब कर्मचारी जो है किसी कार्य में प्रशिक्षित हो जाता है तो वो बेहतर ढंग से करने लगता है, और इस प्रकार से वो कार्य जो कर रहा है उसके लिए वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से पेशा हो जाता है। तो यहाँ उसका पेशेवर विकास होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक उपक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अब हम यहां पर देखते हैं कि प्रशिक्षण के लाभ किस प्रकार से हैं। तो दो रूप में होता है, एक संगठन को लाभ और दूसरा कर्मचारी को लाभ। संगठन को जो लाभ है वो किस प्रकार से है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण का लाभ किस प्रकार से है। तो एक संगठन को या उपक्रम को किस प्रकार से लाभ है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा व किस्म में सुधार। तो एक प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा जब उत्पादन किया जाता है तो क्वांटिटी में भी वृद्धि होती है उत्पादन की, और जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होता है। तो यहां पर उत्पादन की मात्रा व किस्म में सुधार होता है, इससे संगठन को फायदा है। दूसरा जो है अपव्यय में कमी, यहां नुकसान कम होता है, नुकसान कम होना। तो यदि एक प्रशिक्षित कर्मचारी है जो बेहतर ढंग से काम कर रहा है, तो मशीनरी का सही ढंग से उपयोग करता है, कच्चे माल का सही ढंग से उपयोग करता है, जो भी संसाधन है उत्पत्ति के उनका बेहतर ढंग से उपयोग करता है, तो अपव्यय की क्या होती है, कमी आती है। फिर उपकरणों का सही उपयोग, एक प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा जो है यंत्रों का सही ढंग से उपयोग होता है। फिर पर्यवेक्षकीय लागत में कमी, पर्यवेक्षकीय लागत में कमी से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो सुपरवाइजर काम करने वाले लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, तो यदि सारे प्रशिक्षित कर्मचारी हैं तो वे समय पर सही ढंग से कार्य करते हैं, तो यहाँ पर पर्यवेक्षक लागत जो है उसमें कमी आती है। फिर इसके बाद दुर्घटना में कमी, दुर्घटना में कमी हम देखते हैं कि यदि एक प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा उत्पादन किया जाता है, मशीनरी का ढंग से उपयोग किया जाता है, साधनों का उपयोग बेहतर ढंग से किया जाता है, तो दुर्घटना में कमी आती है। और वहीं अंतिम है अनुपस्थिति में कमी। एक प्रशिक्षित कर्मचारी जो होता है कार्य करने के प्रति उसकी क्या होती, रुचि बढ़ जाती, क्यों, क्योंकि उससे बेहतर ढंग से वो कार्य पूर्ण करना आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी रेगुलरिटी जो है उसमें क्या हो जाती, कमी आती, इन रेगुलरिटी जो है वो खत्म हो जाती, वो लगातार उपक्रम में अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संगठन को लाभ। वहीं दूसरे रूप में हम देखते हैं कि कर्मचारियों को क्या लाभ है। तो एक प्रशिक्षित कर्मचारी की कार्य क्षमता में क्या होता है, सुधार होता है। यदि एक प्रशिक्षित कर्मचारी है तो निरंतर वो उसकी कार्य क्षमता में क्या होता है, सुधार होता है। दूसरा, बाजार मूल्य में वृद्धि। प्रशिक्षित कर्मचारी का जो पारिश्रमिक है, यदि वो प्रशिक्षित है कर्मचारी तो उसका जो पारिश्रमिक है वो उसको बेहतर ढंग से बेहतर प्राप्त होता है। फिर कार्य संतुष्टि की बात करें यहाँ, तो एक प्रशिक्षित कर्मचारी जो है बेहतर ढंग से कार्य को करता है, तो जब वो कार्य को बेहतर ढंग से करता है तो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी तरह से पदोन्नति की बात करें यहाँ, तो एक प्रशिक्षित कर्मचारी जो है बेहतर ढंग से कार्य को कर रहा है तो उसको समय समय पर जो पदोन्नति है वो उसको प्राप्त होती है। वहीं दुर्घटनाओं से उसकी बचत होती है, कार्य को वो भली भांति बेहतर ढंग से करता है तो दुर्घटनाओं से उसकी बचत होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रशिक्षण के जो लाभ हैं वो दो रूप में, संगठन को किस प्रकार से लाभ है और कर्मचारियों को किस प्रकार से प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त है। यहाँ हमारे सामने कुछ अभ्यास प्रश्न है, वह विकास से क्या आशा है, फिर प्रशिक्षण की जो विशेषताएं हैं उनको लिखिए, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर समझाइए, फिर एक उपक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है इसको आपको समझाना है, फिर प्रशिक्षण के संगठन स्तर पर व कर्मचारी स्तर पर क्या क्या लाभ हैं इनको आपको समझाना है।
अच्छा हो गया था, फिर से पूरी कहानी बगरानी पड़ी।